नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अब आप लोग हो जाइए तैयार अपने जीवन में महा बदलाव देखने के लिए। जी दोस्तों, क्योंकि अब ब्रह्मा विष्णु और महेश का आ गया है बड़ा आदेश। अब आपके जीवन के सभी दुश्मनों का मौत तय है, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपने जीवन में अपनी मनमानी बहुत कर लिया है। इन्होंने आपको बहुत परेशान कर लिए हैं, इन्होंने आपको बहुत सता लिए हैं, इन्होंने आपको बहुत दुख तकलीफ़ दे चुके हैं। दोस्तों, अब इनके पापों का घड़ा भर चुका है, अब इनका खेल खत्म होने का समय आ चुका है। क्यों दोस्तों, अब स्वयं त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश का आ गया है आदेश। अब आपके जीवन के सभी दुश्मनों का सर्वनाश होने वाला है। जी दोस्तों, अब आपके जीवन में जितने भी दुश्मन तत्व हैं दोस्तों, अब आप लोगों को उनसे हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिलने वाली है। और आप लोगों को आने वाले अगले 3 दिनों के भीतर जो खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं, आपके जीवन में जो बदलाव होंगे, जो परिवर्तन होंगे दोस्तों, से देखकर आपके तो बिल्कुल ही होश से उड़ जाएंगे। और आपने कभी सपने में नहीं सोचा होगा कि हमारे ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा बदलाव भी हो सकता था। जी दोस्तों, हम आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, ये बदलाव आपके लिए कोई ऐसा वैसा बदलाव नहीं रहने वाली है, बल्कि दोस्तों इस बदलाव से आपकी पूरी ज़िंदगी एक झटके में बदल जाएंगी। और आपके जीवन के जितने भी दुख तकलीफ हैं दोस्तों, उन सारे दुख तकलीफों से हमेशा हमेशा के लिए आप लोगों को मुक्ति मिलेंगी। और आपके जीवन में आपको वो खुशियां प्राप्त होंगी, आपके वो सपने सच और साकार होंगे। दोस्तों, जिस सपना को आप अपने जीवन में काफ़ी लंबे समय से लेते हुए आ रहे थे दोस्तों, अब स्वयं त्रिलोक के स्वामी ने आपकी ज़िंदगी का फैसला कर चुका है। दोस्तों, अब आपकी ज़िंदगी में अगले 3 दिनों के भीतर जो होने वाला है दोस्तों, उसे देखकर आपके आस पड़ोस में एकदम से हड़कंप मच जाएंगे। और दोस्तों, आपने तो कभी बिल्कुल भी सोचा नहीं होगा कि हमारी ज़िंदगी में कभी कुछ ऐसा शुभ घटनाएं भी हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, और महत्वपूर्ण ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई हैं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी भूल से मिस ना करें। हम आप लोगों को सारे के सारे जानकारियां पूरी सच और पूरी सटीक बताऊंगा कि आने वाले इन 3 दिनों के भीतर आपके जीवन काल में स्वयं त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश की कृपा से आप लोगों को कौन कौन से बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली हैं, आपके जीवन काल में क्या परिवर्तन लेकर आ रहे हैं, कौन कौन से बदलाव होने वाले हैं। तो साथ ही आप लोगों को यह 3 दिन के समावधि में किन किन क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति भी होने वाली है, और आप लोगों को यह 3 दिन तक क्या क्या सावधानियां भी रखने की बहुत आवश्यकताएँ होंगी, ताकि आपको आने वाले भविष्य में किसी प्रकार की मुसीबतों का सामना ना करना पड़े, और इन 3 दिन के समावधि में आपको कौन सी गलतियों को भी करने से बचना होगा, हम आपको हर एक जानकारियाँ पूरी विस्तार पूर्वक से बताएंगे। तो आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल भी भूल से मिस ना करें। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, उससे पहले भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के सभी सच्चे और प्यारे भक्त इस वीडियो का भी कभी अपने प्यारे हाथों से एक प्यारा सा लाइक जरूर करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से और श्रद्धा भाव से जय ब्रह्मा विष्णु महेश जरूर लिखें, आपकी हर एक मनोकामनाएँ जल्दी ही पूर्ण होंगी। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 3 दिनों का समय आप लोगों के लिए बहुत ही खास और बहुत ही अच्छा दिन रहने वाले हैं। दोस्तों, यह समय किस्मत और भाग्य आपका पूरा का पूरा साथ देंगे। दोस्तों, आप लोग इन 3 दिनों के समावधि में आप जो भी कार्य करेंगे, जिन भी क्षेत्र में आप यह समय हाथ बढ़ाएंगे दोस्तों, आप लोगों को अब सफलता ही सफलता प्राप्त होंगी। क्योंकि दोस्तों, अब आपके और आपके कुंडली के ऊपर स्वयं त्रिलोक के स्वामी ब्रह्मा विष्णु और महेश का आशीर्वाद पड़ चुका है, जिस कारण से आप लोगों को इन 3 दिनों के भीतर आपको हर क्षेत्र में लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप लोग इन 3 दिन के भीतर जिन भी क्षेत्र में कदम बढ़ाएंगे दोस्तों, वह सारा कार्य आपका इसमें आसानी से पूर्ण भी होगा, और उसमें आप लोगों को लाभ ही लाभ प्राप्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को बताना चाहेंगे कि दोस्तों, आपने पिछले समय अवधि में चाहे जिन भी क्षेत्र में आपने दुख तकलीफों को झेलकर आपने जो मेहनत किए थे, आपने जो परिश्रम किए थे और आपने जो अच्छे कर्म किए थे दोस्तों, आप लोगों को उसी मेहनत और परिश्रम का फल आपको इन 3 दिनों के भीतर
प्राप्त होने वाले हैं और आपको इस तरह से प्राप्त होंगे कि दोस्तों आपने कभी सपने में नहीं सोचे होंगे कि भगवान हमें हमारे कर्मों का फल कभी कुछ इस तरह से दे सकते थे। जो दोस्तों आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस जीवन में सब खेल है दोस्तों कर्मों का, आप जैसा करोगे आपको वैसा एक न एक दिन प्राप्त जरूर होंगे। और आपने पिछले समय अवधि में आपने जैसा मेहनत किया था आप लोगों को उसी मेहनत का फल इन तीन दिनों के भीतर आपको प्राप्त होने वाले हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर आपने लंबे समय से अगर किसी भी कार्य को आप संपन्न करना चाहते थे, पूरा करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों किसी न किसी प्रकार की परेशानी की वजह से आपका वह कार्य अधूरा ही रह जाता था, तो दोस्तों इन तीन दिनों के भीतर आपका वह सारा कार्य अचानक से बनेंगे और आपकी ज़िंदगी में जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, उन सभी परेशानियों से आप लोगों को इन तीन दिनों के भीतर एक झटके में अचानक से मुक्ति मिलेंगी। दोस्तों जिन्हें देखकर आपको अपनी आँखों पर बिल्कुल भी यकीन और विश्वास नहीं होंगी, और इन तीन दिनों के भीतर आपकी आँखों के सामने देखते ही देखते आपकी पूरी ज़िंदगी ही अचानक से बदल जाएंगी। दोस्तों जिन्हें देखकर आपके तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाएंगी। और दोस्तों इन तीन दिनों के भीतर आपके आर्थिक क्षेत्र में और आपके करियर के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलेंगे। दोस्तों अगर आप लोग काफ़ी लंबे समय से आर्थिक तंगियों का सामना कर रहे हैं तो उनसे आप लोगों को इन तीन दिनों के भीतर मुक्ति मिलेंगी, क्योंकि दोस्तों ऐसे में आप लोगों को कुछ ऐसे जगहों से धन की प्राप्ति होंगी अचानक से जिनसे आपकी आर्थिक तंगी ऐसे में दूर होंगी और आप लोगों को ऐसे में करियर में कुछ ऐसे बड़े सफलता प्राप्त होंगी। दोस्तों जिस सफलता को आप प्राप्त करने के लिए सालों से मेहनत भी करते आ रहे थे, और दोस्तों साथ ही जो लोग काफ़ी लंबे समय से रोजगार की तलाश कर रहे थे लेकिन दोस्तों उन लोगों को नौकरी कहीं प्राप्त नहीं हो रही थी, तो दोस्तों उन लोगों को इन तीन दिनों के भीतर किसी ऐसे व्यक्ति की मदद से किसी अच्छी जगह नौकरी भी लग सकती है जिनसे वे लोग ऐसे में काफ़ी खुश और काफ़ी परेशान भी दिखाई दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप लोगों को ऐसे में किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने से आपको जल्दबाजी में और हड़बड़ी में और लापरवाही करने से बचना होगा। दोस्तों आप लोगों को इन तीन दिनों के भीतर जो भी कार्य करना है पूरे धैर्य से और पूरी सोच समझ कर ही करें आप लोगों के लिए तो बेहतर रहेंगे, नहीं तो आपको किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकते हैं। तो इस बात के ऐसे में आप लोग ज़रा ध्यान में जरूर रखना, नहीं तो आपको बाद में परेशानी भी हो सकती है। और दोस्तों अगर आप लोग इन तीन दिनों के समय अवधि में अगर कोई भी आप नए काम को शुरू करते हैं तो आप लोगों को आगे चलकर उस काम में काफ़ी अच्छे आपको फायदे भी हो सकते हैं। और इस राशि के ट्रेवल्स एजेंसी वाले लोगों के लिए दिन बहुत ही बढ़िया रहने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों उन लोगों को इन तीन दिनों के भीतर अचानक से कहीं बड़े लाभ की प्राप्ति हो सकते हैं जिनसे वे लोग ऐसे में काफ़ी खुश भी दिखाई दे सकते हैं, और ऐसे में रास्ते में किसी भी करीबी से आपकी मुलाकात भी हो सकती है जिसे लेकर आप घर भी जा सकते हैं। और दोस्तों जो लोग विवाहित हैं दोस्तों वे लोग ऐसे में जीवन साथी से बहस करने से बचे, नहीं तो आप लोगों को ही किसी न किसी प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों ऐसे में मीठी भाषा का जितना आप लोग प्रयोग करेंगे दोस्तों आप लोग जीवन उतना ही खुश और हमेशा आप सुखी भी रह पाएंगे। और दोस्तों लव मैरिज के लिए ऐसे में किसी भी ट्रिप का प्लान बना सकते हैं और आप ऐसे माँ दुर्गा को खीर का भोग लगाएं। दोस्तों आपको धन लाभ के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे और आपके जीवन की हर समस्याओं से आपको मुक्ति भी प्राप्त होंगी।